गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम क्या स्टडी करेंगे। नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने साइंस में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करके रखा था, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टाइम मतलब ग्राफिकली मेथड हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है इसी चैप्टर्स के अंदर तीन इक्वेशन क्या करनी है, हमें फॉर्म्ड करनी है। और वो इक्वेशन किससे रिलेटेड होगी, मोशन से। तो इसमें क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब जो मोशंस की जो इक्वेशन होती है अब उसे हम ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ये कितनी इक्वेशन होती है, ये तीन तरीके की इक्वेशन है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटीज ऑफ टाइम रिलेशन। और फर्स्ट इक्वेशन है, इसी तरीके से सेकेंड्स और थर्ड इक्वेशन भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म्ड होती है, कैसे सॉल्व होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें पहले ग्राफ क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया है टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर लिया है हमने वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी के ऊपर जैसे ही अब हमें पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो 2 होगी, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम v से डिनोट करेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, u से। फॉर एग्जाम्पल, सम पॉइंट्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल्स डिस्टेंस ट्रेवल्स किया है, वेलोसिटी ट्रेवल की है। तो ये पॉइंट हमने एज्यूम किया है ए और बी, तो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ये ए से यू तक हमारा इसमें क्या हो गया, हमने यहाँ पर स्टॉप यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किए, तो ये क्या हो गए, हमारी स्लोप बन गई। क्या बन गई, स्लोप, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप इसमें क्या है, ये ए से लेकर के बी तक ये क्या है, स्लोप। और यही क्या है, हमारा एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, राइज अपॉन रन, मतलब कितना वो चल रहा है, कितना वो बढ़ रहा है। तो राइज इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बी डी, ये चल रहा है, और रन इसमें हो जाएगा हमारा ए डी, है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला है राइज अपॉन रन, है ना। तो राइज हो गया, स्लोप हो गई हमारी ए बी, और राइज हो गया बी डी, और ए रन हो गया ए डी। ठीक है, तो बी डी अपॉन ए डी, है ना। अब हमें पता है कि जो बी डी जो है वो क्या है, तीन हिस्सों में, हम जो बी डी जो है वो पूरा ओवरऑल क्या है, बी सी। अब इस बी सी को अगर दो हिस्सों के इसके देखेंगे तो बी डी प्लस सी डी या डी सी, है ना। तो जो बी सी है, तो बी सी को हम मैंने यहाँ पे क्या किया है, सी डी को जो प्लस से मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस में किया है। और अब ये बी सी माइनस सी डी किसके इक्वल हो गए, बी डी के। तो यही वैल्यू जो है वो हम क्या, मैं क्या कहाँ पुट करूँगी, बी डी वाले में। तो बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो बी सी है ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और जो सी डी है वो हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब पहले तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय किया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो पूरी फाइनली वेलोसिटी जो थी वो हमारी कितनी थी, बी सी। और बी सी क्या हो गया, हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है वी। और ए सी डी हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी क्या हो गया है, ए। और ए डी क्या है, यहाँ पे ए डी इज इक्वल्स बराबर टू एक्स एक्सिस, यानी हमारा क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। और ए भी जो है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो ए हमारा एक्सेलरेशन की जो साइन होती है वो क्या होती है, ए होती है, जो हमने यहाँ पे क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी। सो हम लोगों ने जब पूरी सभी की वैल्यू जब हमने इस फॉर्मूले में पुट की, यहाँ पे पुट किया, तो हमें पता चला ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन
टी, और जो ये टी जो यहाँ पे डिवाइडेड में है ये के इसके पास चला जाएगा ए के पास मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा वी माइनस यू। ठीक है, तो ये जो माइनस का यू है इसको हम क्या करेंगे उस तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी, और वी को अगर हम इस पूरी क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे वी इज इक्वल्स टू ए, वी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू। और यही क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने क्या कर ली है प्रूफ कर ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्राफिकली मेथड से हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या की है फाइंड आउट की है। इसी तरीके से अब इक्वेशन टू जो है वो क्या है इक्वेशंस ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन। अब जो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है पोजीशंस ऑफ टाइम रिलेशन है ना। अब इसी स्लोप के अंदर इसी ग्राफ के अंदर से हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं ना। तो सेकंड इक्वेशन जो हमारी होती है अंडर एरिया ऑफ अंडर स्लोप, मतलब स्लोप के अंदर पूरा एरिया कितना आ रहा है, मतलब ये जो पूरा ये बनी थी हमारी यहाँ पे स्लोप, अभी स्लोप के अंदर पूरा कितना एरिया आ रहा है यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक का एरिया इसके अंडर में आ रहा है। ठीक है, अब यही हमें क्या करना है पूरा फाइंड आउट करना है, और यही पर यही हमारा क्या है पूरा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है डिस्प्लेसमेंट है, क्यों डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इतना ही एरिया हमने फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या किया गया यहाँ पे ट्रेवल किया गया। तो एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है वो पूरा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये इसके इक्वल है ना। अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये पूरा जो एरिया है ओ ए बी सी इसके अंडर में दो चीजें आ रही, कितने आ रही है टू। फर्स्ट तो क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल फॉर्म्ड हो रहा है इस तरीके से, यही हमें क्या करना है पूरा फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये तो क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इसको किससे डिनोट किया है एस से। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमें उसका फॉर्मूला पता है, दोनों साइड्स उसकी क्या होती है उसकी जो फोर साइड्स होती है वो क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। जैसे अब हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ओ ए माइनस ओ सी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय ओ ए ना, ये दोनों साइड हो गई ओ सी एंड ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वन अपॉन हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी है ना। अब ओ सी इंटू ओ ए ये हो चुकी है, फिर अब इसमें क्या करना है हमें वन अपॉन हाफ ए डी, ए डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है वी माइनस यू, ये किससे मिली हमें इक्वेशन से है ना। बाय द फर्स्ट इक्वेशन हमने ए डी की जो वैल्यू है वो क्या है टी, और बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी क्या है हमारा जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना पूरा फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हमने पूरी वैल्यू को क्या क्या यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टी इंटू यू वन अपॉन टू टी इज इक्वल टी इंटू वी माइनस यू, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है टी किसके दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यू टी प्लस वन अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू ए, और ये टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वेयर, और यही क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन से किसकी है पोजिशन टाइम्स रिलेशन की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोगों की बुक में भी इसी तरीके से दी गई है, तो आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, और अब हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसकी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या करते हैं अब फाइंड आउट करते हैं। नाउ सो अभी हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लिए, अब हम इक्वेशन थर्ड सॉल्व करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है
कि अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है ना। तो इसमें इसी के क्या है, हमारी ग्राफ है, ग्राफ के अंदर हम देखेंगे एरिया अंडर स्लोप, स्लोप के अंदर कितना एरिया आ रहा है, ए ओ ए बी सी, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रेपिज्म भी बोलते हैं। तो एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जितना भी पूरा एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया जो कवर हो रहा है वो क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, है ना। ये हो गया। अब ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर, ये हमें पता है किसका है, ट्रेपिज्म का है। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इज ओ ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। ये क्या है, किसका है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/2 हो गया, फिर दो साइड्स उसमें क्या होगी, प्लस होगी, और इनटू क्या होगी, वन साइड से ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1/T। अब बी सी प्लस ओ ए, तो बी सी यहाँ पे क्या है हमारा, बी सी ये क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ओ ए क्या है हमारा, ओ ए क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो बी सी प्लस ओ ए इज इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू ओ सी, ओ सी क्या है हमारा टाइम। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम राइट किया है। अब बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू 1/2 वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन वी माइनस यू अपॉन ए। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी है, टी की। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कैसे हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, है ना। तो यहाँ से हमने वी माइनस यू करके ये ए को यहाँ पे लेके आ गए, और ये क्या हो गया, टी। तो इस टी की पूरी की वैल्यू हमने वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए यहाँ पे रखा है। अब हमें वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, ये कैसे होता है, उसका दोनों का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन टू ऑफ टू ए। तो इसमें इसका ए माइनस वो उसका फॉर्मूला रखा है, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जो टू ए था वो क्या हो गया, ए स्क्वायर, जो क्या चला गया मल्टीप्लाई में। तो पूरा फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म हो गया, टू ए एस इज इक्वल्स टू v माइनस यू, है ना ये। और यही हमारी क्या है, इसकी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट हमारा इसमें टॉपिक बचता है, डिस्टेंस आर स्पीड्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का हमें पता है कि हमें सर्कल का हम जानते हैं कि सर्कल को सर्कुलर मोशन है, तो वो मोशन क्या होगा, पूरा सर्कुलर पाथ में होगा इस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सर्कल बना हुआ होगा, है ना। अब सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस है, जिससे ये हो गया, ये हमारा हाफ है, तो क्या हो गया, रेडियस है, डायमीटर हो गया, है ना। अब इसमें डिस्टेंस है, पूरा सर्कुलर का डिस्टेंस जैसे क्या होता है, सर्कुलर पाथ है तो हमें पता है क्या होता है, 2πr होता है ना। तो अब इसके अंदर से चाहे सर्कल ऐसा हो या फिर लाइक दैट इस तरीके से हो, कैसे भी हो, जो सर्कुलर पाथ होता है, अब उसकी स्पीड होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना स्टार्ट किया, तो ये तो हो गया उसका पूरा डिस्टेंस, और कितने टाइम में किया, टाइम भी तो होता है ना ये, तो स्पीड कुछ इस तरीके से हो जाएगी, फिर हमारी स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी, है ना। ये क्या है हमारा लास्ट जो है इस टॉपिक का क्या है, ये है। तो ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है हमें इस तरीके से। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों इक्वेशंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी, आप लोगों को अपनी बुक में अच्छे से दी गई है, आप लोगों को उसमें से देख के राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।